नदी में जादुई सोने के कटहल का पेड़। बीमार माँ खटिया पर पड़ी हुई बच्चों से बात कर रही है। बेटा, मुझे लगता है अब मैं और ज्यादा टिक नहीं पाऊंगी, इसलिए एक दूसरे की हमेशा मदद करना। और राधिका बेटा, तू तपस्या का ख्याल रखना, वो छोटी है अभी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दीदी, क्या हुआ? माँ की ऐसी खराब सी आवाज क्यों आ रही है? बेटा, अब मेरे जाने का समय हो रहा है, अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही रवीना भगवान को प्यारी हो जाती है और उसके दोनों बच्चियां राधिका और तपस्या अनाथ हो जाती हैं। दोनों बच्चियां बहुत रोती हैं। माँ कैंसर से पीड़ित थी और बाप तो पहले ही नशे की धुत में दुनिया को छोड़ चुका था। एक पंडित द्वारा उनकी माँ का अंतिम संस्कार हो जाता है और एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों बच्चियों को आसपास के लोग खाना दे दिया करते थे, पर अब दोनों भूख से तड़प रही थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी छोटी बहन कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, कल रात से कुछ भी नहीं खाया, कुछ बना दो ना दीदी। क्या बनाऊं तपस्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में खाना बनाने का एक दाना नहीं है। चलो जंगल की ओर चलते हैं, कुछ तो हमें खाना बनाने के लिए मिल ही जाएगा। वैसे भी इस जंगल में बहुत सब्जियां हैं, कुछ होगा तो वही बना दूंगी। हाँ दीदी चलो। ऐसा कहकर दोनों बहनें हाथ पकड़कर जंगल की ओर जाती हैं, जहां बहुत देर से उन्हें कुछ भी खाने लायक चीज नहीं मिलती। तभी राधिका को एक कटहल पड़ा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो कहती है, अरे ये तो बिल्कुल सही है, वैसे भी हम दोनों को कटहल खाना कितना पसंद है, माँ रोज शाम को बनाया करती थी। हाँ दीदी, और आपको तो कटहल बनाना आता है, अब बनाओगे ना मेरे लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बनाऊंगी। दीदी दीदी बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पिला दो। ठीक है, चल यहाँ पास में ही नदी है, उसमें हम पानी पी लेते हैं। ऐसा कहकर दोनों नदी के पास जाती हैं। तपस्या, जा जाकर पहले तू पानी पी ले। बहन की बात सुनकर तपस्या पानी पी लेती है। तब भी तपस्या आकर कहती है, दीदी मैंने तो पानी पी लिया, अब आप पानी पी लीजिए, ये कटहल मुझे पकड़ा दीजिए। ठीक है। तभी राधिका नदी से पानी पीती है कि तपस्या के हाथ से वो कटहल गिरकर नदी में चला जाता है और तपस्या रोते हुए कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया, दीदी कटहल तो नदी में गिर गया, अब मैं क्या करूँ, अब हम खाना कैसे खाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो हमें कटहल मिला था इस जंगल में। अरे तूने ध्यान क्यों नहीं रखा, अब हम क्या करेंगे, मैं तो भूखी रह लूंगी, पर मुझे चिंता तो तेरी है। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, रोना बंद कर, शांत हो जा, मत रो तप्पू। राधिका के कहने पर भी तपस्या ऐसे चुप नहीं होती। तभी उस नदी से एक देवी प्रकट होती है और वो कहती है, पुत्री अश्रु बहाने बंद करो, तुम एक दिन के खाने के लिए तरस रहे थे ना, मैं तुम्हें जादुई सोने का कटहल देती हूँ, जिससे तुम खाना नहीं बहुत कुछ मांग सकती हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। तुम्हारा कटहल यहाँ गिर गया ना, ये लो तुम्हारा सोने का कटहल पेड़। देवी नदी के ये कहते ही वहाँ एक जादुई सोने का कटहल का पेड़ आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें अचंभित हो जाती हैं। और देवी नदी कहती है, पुत्रियों जादुई सोने के कटहल का पेड़ का लाभ सिर्फ तुम ही ले सकती हो, अन्यथा कोई इसे तुमसे लेने का प्रयास करेगा तो ये पेड़ तुरंत गायब हो जाएगा। शुक्रिया देवी नदी, हमारे कटहल के बदले आपने हमें पूरा सोने का कटहल पेड़ दे दिया, हम वादा करते हैं इस पर लालचियों से बचाकर दूसरों की मदद करेंगे। मैं जानती हूँ तुम दोनों नेक दिल बच्चियां हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने का कटहल पेड़ सौंपा है। इतना कहते ही देवी नदी गायब हो जाती है और राधिका तपस्या उस पेड़ को देखकर कहती है, दीदी ये सोने के कटहल तो कितने जगमगा रहे हैं ना। हाँ छोटी, मुझे तो इतने प्यारे लग रहे हैं कि इन्हें तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर तुम्हें भूख लग रही है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, उससे पहले सोने के कटहल को तोड़कर सुनार को दे आऊं। तभी राधिका सोने के कटहल को तोड़कर सुनार के पास जाती है और उसे बेचकर पैसे ले आती है, जिससे वो सारा राशन खरीद कर घर लाती है और छोटी से कहती है, बता छोटी तुझे क्या खाना है, मैं सारा सामान लेकर आई हूँ।
दीदी आप मेरा और अपना दोनों का फेवरेट बना लो। ठीक है, तो तेरा पास्ता और कटहल की सब्जी के साथ पराठे बना लेती हूँ। हाँ दीदी, जल्दी बनाओ, मेरे मुँह में तो पानी आ गया है नाम सुनते ही। तभी राधिका उसके लिए पास्ता और कटहल की सब्जी बनाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें चाव से खाना खाती हैं। दीदी मेरी फ्रॉक देखो ना, कितनी छोटी हो गई है। मुझे दीदी और नए कपड़े दिलाने चलो ना, वैसे तो हम पर है ही, और आप भी ले लो, आपके बाल ऐसे खुले रहते हैं, अब हेयर बैंड फ्रॉक सूट बहुत सारी शॉपिंग कर सकती हो। ठीक है, मैं तुझे दिला दूंगी, वैसे भी तेरा जन्मदिन आ रहा है, दिलाना तो था ही मुझे। तभी दोनों बहन फिर से जादुई कटहल पेड़ के पास जाती हैं और कहती हैं, हे जादुई सोने के कटहल पेड़, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए जिससे मैं अपनी बहन का जन्मदिन मना सकूं, मुझे कटहल दे दो। राधिका के ऐसा कहते ही जादुई कटहल पेड़ से सोने का कटहल खुद टूटकर उसके हाथों में आ जाता है, जिसे लेकर दोनों बहन सुनार को बेच देती है और उन पैसों से मॉल में जाकर शॉपिंग करती है, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। अगले दिन दोनों नई ड्रेस में तैयार हो जाती हैं और राधिका अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी छोटी बहन, मैं तेरी सहेलियों को बुलाकर लाती हूँ। शुक्रिया दीदी ये सब करने के लिए। ठीक है, अब इंतजार कर। ये कहते ही राधिका उसके हम उम्र बच्चों को जन्मदिन में निमंत्रण देती है। तभी एक रोती हुई बुढ़िया हॉस्पिटल से आकर कहती है, हे भगवान मैं क्या करूं, कोई तो मेरी मदद के लिए भेजो, इतने सारे पैसे कहां से लाऊं मैं। दादी माँ आप इतना रो क्यों रही हैं, क्या हुआ? बेटा तेरे दादाजी अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, मुझे उनके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, 5 लाख कहां से इंतजाम करूं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको पैसे देती हूँ। तभी ध्रुव नाम का व्यक्ति राधिका की बात सुनकर कहता है, अरे ये छोटी सी बच्ची कहां से इतने सारे पैसे लाएगी, जरा देखता हूँ। तभी ध्रुव राधिका का पीछा करते हुए सोने के कटहल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि राधिका कुछ बोलती है, जिससे सोने के 3 कटहल टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो उसे बेचकर उस बूढ़ी दादी को पैसे दे देती है, जिससे वो बूढ़ी दादी अपने पति की जान बचा लेती है। वहीं ध्रुव राधिका के जाते ही सोने के कटहल को जैसे ही छूता है वो पेड़ गायब हो जाता है। पेड़ को गायब होता देख ध्रुव सोच में पड़ जाता है। तभी राधिका वहाँ दोबारा आती है और उस लड़के को देखकर कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी वजह से मेरा जादुई सोने का कटहल पेड़ गायब हो गया। मुझे भी वो सोने का कटहल चाहिए। ये लालची लोगों के हाथ नहीं आता। मैं लालची नहीं हूँ, जैसे तुमने उन दादी की मदद की है वैसे मेरी भी कर दो, मेरी पत्नी को बहुत बुखार है पर मेरे पास न दवाई के पैसे हैं न उसे कुछ खिलाने के, मुझे पैसों की जरूरत है। ऐसी बात है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी, बस आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा भैया। हे जादुई सोने के कटहल पेड़, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आओ। राधिका के ऐसे कहते ही उसके पेड़ वापस आ जाता है और उसके हाथ में खुद ब खुद वो कटहल आ जाता है, जिसे वो ध्रुव को सौंप देती है। फिर वो अपनी पत्नी की दवाई लाकर उसे खाना खिला देता है और घर जाकर राधिका बाकी बच्चों के साथ अपनी बहन का जन्मदिन मनाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू जादुई कटहल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऐसे ही वो बहनें जादुई कटहल से बहुत सारे भूखे बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, जिससे उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलता है और दोनों बहन पढ़ लिख कर बड़ी होकर सरकारी जॉब में लग जाती हैं। तो दोस्तों हमारी इस कहानी में राधिका की बहन का क्या नाम था कमेंट करके जरूर बताएं। सोनीपत नाम के गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी, जो अपने बेटे अमन और गोरी चिट्टी बहू कविता के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कविता ने अपनी सास को दादी बनने की खुशी नहीं दी थी। इस बात की कुलबुलाहट में कमला अक्सर अपनी बहू को ताना कसा करती थी। ऐसे ही दोपहर के समय जब पड़ोसन शारदा अपनी पोती सलोनी को खिला रही थी, तब वह बोलती है, आले 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 मेरी पोती, मेरी सोन चिड़ैया कैसे दादी की गोद में खेल रही है, देख कमला कैसे जीभ निकाल रही है, ये इसे लेगी गोद में, ऐसा कर ले ही ले, आखिर तुझे भी तो पोता पोती खिलाने का मन करता होगा, पर शायद तेरे भाग्य में ये खुशी है ही नहीं, पता नहीं कब तेरी बहू तुझे सुख के दिन दिखाएगी।
कभी तो बिना नमक मिर्च की बात किया कर शारदा दिन खराब कर दिया। जब देखो तू मुझे बांझ बहू की याद दिला देती है। मैं तो सिर्फ कहती हूँ, वो तो तेरी 24 घंटे आंखों के सामने भटकती है। अरे कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अरे कितना कहूँ, अब एक ही शब्द बोलती रहती है, माँ जी कोशिश कर रहे हैं, भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा, अलाना फलाना धमाका। या तो तेरी किस्मत फूटी है या तेरे बेटे की, जो तुझे कविता जैसी बांझ बहू पाई है। अरे 4 साल में 2 बच्चे हो जाते हैं और उसने एक नहीं दिया। अरे तो क्या, तेरी बातों से मेरी बहू को बच्चा हो जाएगा? तेरे पास सुनने के लिए नहीं बैठती हूँ, जा रही हूँ मैं। अच्छा जा ही रही है तो एक बात सुनती जा, ऐसा कर अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, जिससे तू भी खुश तेरा बेटा भी। शारदा की बात सुन शालू अपने घर में चली जाती है और आग बबूला होकर कविता को कहती है, अरे ओ मर जानी कमबख्त बांझ कहीं की, जरा सामने आ, बाहर वालों की बात सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहे हैं। आखिर तू कब मुझे दादी बनाएगी? मुझे तारीख लिख कर दे दे, क्या चाहती है, पूरी जिंदगी पोता पोती के इंतजार में निकाल दूं और तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखूं? माँ जी आप अचानक से इतना भड़क क्यों रही हैं? क्या बोला तूने, अब भड़कू भी नहीं मैं तुझ पर। माँ जी बच्चे करना इतना आसान नहीं होता जो आप इस तरह से कह रही हैं। मैं खुद परेशान हूँ, आपके ताने के साथ मुझे मेरे अंदर की कमी ही खा जाती है, दिन रात परेशान रहती हूँ, और मेरा दिल भी चाहता है कि मैं माँ बनूं, पर क्या करूँ मजबूर हूँ। शारदा सही कह रही थी, ठीक है फिर अगर तुझसे ये सब नहीं हो रहा तो मैं ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ, कम से कम वो तो मुझे इस चीज का सुख देगी। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरे होते हुए आप दूसरी शादी अमन जी की? हाँ अब मेरे पास यही एक चारा बचा है। कमला की कड़वी बात सुनकर कविता अंदर से टूट जाती है। वहीं वह अगले दिन अपने बेटे के लिए एक अच्छी बेहतर लड़की को खोजती है, पर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को उसके बेटे से दूसरी शादी कराना नहीं चाहता था। तभी एक पंडित कमला के पास आकर विद्या नाम की नाबालिग लड़की का रिश्ता लाते हैं, जिसके गरीब माँ बाप कमले के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला भी बाल विवाह करने के लिए कविता की सौतन लाने को तैयार थी। शाम को कमला अपने बेटे अमन से कहती है, माँ आप ये क्या कर रहे हैं, मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी शादी कैसे करूँगा? देख बेटा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे भी इस घर का चिराग चाहिए। एक बार बच्चा आ जाएगा तो इस घर में सब नॉर्मल हो जाएगा। अपनी माँ की इतनी सी बात मान ले बेटा, तुझे अपनी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते? ठीक है माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह अगले हफ्ते ही उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ 15 साल की विद्या का गृह प्रवेश खुद कविता रो कर करती है। हे भगवान ये दिन क्यों दिखाया आपने मुझे, ना तो माँ जी ने इस छोटी सी बच्ची का लिहाज रखा ना ही मेरा। माँ जी को बच्चा इतना अजीज हो गया कि उन्होंने 3 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। अंदर आ जाओ। क्यों कविता जलन तो नहीं हो रही ना, जा इन दोनों को इनका कमरा दिखा दे। स्थिति डगमगाए हुए थी, अमन और कविता एक दूसरे के लिए रो रहे थे, साथ ही मासूम विद्या को कुछ और ही सामना करना पड़ रहा था जो वह जानती भी नहीं थी। सास की बात सुनकर कविता उनके कमरे में उन्हें छोड़ देती है, फिर अपने कमरे में पिलो से लिपट लिपट कर बहुत रोती है। कैसी अभागन हूँ मैं जो अपने पति की दूसरी पत्नी को अपने कमरे में ही उनके साथ अकेला छोड़ाई। क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपने मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है? अगले दिन कमला अपनी नई बहू को कहती है, अच्छा बहू देख घर के काम तो ये संभाल लेगी, तुझे इतना आता भी नहीं होगा, तो तू ऐसा कर तू अमन के साथ घूमने चली जा। अमन बेटा ये ले मैंने तुम्हारे लिए 15 दिन का शिमला घूमने का प्लान बनाया है, जाओ मजे करना। पर माँ। अमन जाकर वक्त बिता बहू के साथ। माँ जी क्या आप और दीदी हमारे साथ नहीं चलेंगी, सब साथ में चलते एक साथ वक्त बिताएंगे। अरे ओ बेअकल शादी हो गई है बड़ी हो जा, मानती हूँ बाल विवाह हुआ है पर ये नहीं कि तू बालक की तरह रहेगी। अमन इसे तू समझा लेना, आज से मैं पोते की माला की नाम जपूंगी। चलते हैं, माँ और कविता तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। ये कहकर अमन विद्या को लेकर चला जाता है। इसी बीच कविता खुद से झुलसती है, 15 दिन में अमन उसके साथ घूम कर आ जाता है।
धीरे धीरे विद्या घर के काम करती और कमला हमेशा उससे खुश रहती है, मगर कविता पर हमेशा अत्याचार करती थी। एक साल बीत जाता है। एक दिन विद्या का जी बहुत खराब होता है और उल्टी करने पर पता चलता है कि विद्या गर्भवती है। इस खुशी से कमला खुश होकर थाली बजाते हुए कहती है, अरे बहू, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ। ओए होए, देखा कविता, जो तू नहीं कर पाई वह मेरी विद्या बहू ने कर दिया। मैं खुश हूँ माँ जी, लेकिन अभी उसका स्वस्थ माँ बनने के लिए योग्य नहीं है, ये बात आप भी जानती है। फिर भी आप उस लड़की के साथ ये सब कर रही हो। अपना मुंह बंद कर, आई मुझे सही गलत का पाठ सिखाने वाली। हर लड़की का शरीर तेरे जैसा नहीं होता है। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ऐसे टाइम में चक्कर आते ही हैं। चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ मैं तुझे। इस तरह से कमला विद्या को डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसके बाद वह उसका ख्याल रखती है। उसे अपने हाथ से हलवा, जूस, मेवे, तरह तरह की चीजें देती है, लाड करती है। उसकी सेवा करते हुए पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। विद्या कुर्सी पर बैठकर सेब खा रही थी कि अचानक उसे उसके पेट में दर्द उठता है। माँ जी, कविता दीदी, अमन, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी आइए। ये कहते ही विद्या जमीन पर गिर पड़ती है। तभी कविता उसे देख लेती है और तीनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे ओटी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद विद्या एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? आई एम सॉरी, बट आपकी वाइफ की हालत डिलीवरी के लिए बहुत नाजुक थी। उन्हें शायद कंसीव करने के लिए मना भी किया गया था, फिर भी आप लोगों ने रिस्क लिया, जिसकी वजह से बच्चा सेफ है, मगर आपकी वाइफ। डॉक्टर ऐसा मत कहिए, मेरी बहू को कुछ नहीं हो सकता। माता जी, संभालिए खुद को। देख लिया माँ जी, आपकी वजह से उस मासूम बच्ची, जिसे इन सब का ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, आपकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर ने मना किया था, उसके बावजूद भी आपने ये सब किया। आपने उस मासूम की जान ले ली माँ जी, उस छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अलग होना पड़ा सिर्फ आपके कारण। माँ, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी आपने विद्या से प्रेगनेंसी कराई, क्यों क्यों माँ क्यों? हाँ हाँ, ये सब पता होने के बावजूद भी मैंने किया, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। मैं तेरी तीसरी शादी तो नहीं करा सकती थी ना, पर मैं ये नहीं जानती थी कि विद्या बहू को हमसे दूर होना पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे कविता बहू। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माफ कर दे बेटा, बच्चे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने दूसरी शादी करा दी। तुम तीनों की जिंदगी खराब कर दी, मुझे माफ कर दो। अब कुछ बदल नहीं सकता माँ जी, लेकिन आपको पछताने का मौका दे रहे हैं हम दोनों। कविता की बात सुनकर कमला को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है। साथ ही कविता उस बच्चे को माँ का प्यार देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कई कोस की दूरी पर बसा हुआ नत्थुपुरा गांव पूरी तरह देहात था। उस गांव में ओमकारा नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुरेखा और बेटी सिया के साथ एक मढ़िया में जीवन काट रहे थे। अजी, तुम्हें कोई खोज खबर है भी कि नहीं? अरे क्या हुआ भगवान, भोर सवेर चंडी का रूप क्यों धरे बैठी हो? ब्याह के लायक हो चली है अपनी सिया, मगर उसके ब्याह के खातिर अब तक 4 पैसे भी ना जोड़ सके हैं। क्यों व्यर्थ की चिंता धरे बैठी हो हा? जवान बेटी को छाती बिठाकर रखना ठीक नहीं। ठीक है, आज ही मैं बिटिया के ब्याह की खातिर पंडित जी को तस्वीर दे आता हूँ। खेत पर जाते हुए रास्ते में उसे पंडित जी दिखते हैं। अरे पंडित जी, जयराम जी की, बड़ी लंबी आयु है आपकी जो यहीं बैठ हो गई। कहो ओमकार, जरा जल्दी मैं हूँ, शहर जा रहा हूँ। ये मेरी बिटिया की तस्वीर है, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाशिए। ओमकार पंडित जी को तस्वीर थमा देता है। थोड़ी देर में पंडित जी शहर में रहने वाले भार्गवी के घर दस्तक देते हैं। ये वो तस्वीर है जिनके रिश्ते वैभव के खातिर सामने से चलकर आए हैं। वो सब तो ठीक है पंडित जी, दहेज मिलने की क्या आशा है? खानदानी लोग हैं भार्गवी जी, अच्छा खासा घर बार, कितने तो जमींदार हैं। पैसों के अमीर दिल के गरीब होते हैं, यहाँ से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। भार्गवी जी, किस उलझन में पड़ गई आप? कुछ नहीं पंडित जी, ये लड़कियाँ मेरे बेटे के संग कुछ जचेंगी नहीं। अब तो अंतिम एक ही तस्वीर बची है, मगर उनका और आपका तालमेल बैठेगा नहीं। अरे लड़की की सूरत तो दिखाइए। पंडित जी जैसे ही तस्वीर दिखाते हैं, वैभव पहली ही नजर में सिया के रूप का कायल हो जाता है।
बड़े ही गरीब घर की बेटी है। पंडित जी, भगवान की कृपा से हमें धन धान्य की कोई घटी नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, है ना माँ? हाँ मेरे लाल, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब तो मेरी झोली इसी गरीब बेटी के बाप के घर में ही भरेगी, क्योंकि जितना देने का जिगरा एक गरीब में होता है, वो हम जैसे रईसों के भीतर कहाँ। अगली भोर माँ बेटे पूरी तैयारी के साथ गाड़ी में सवार होकर रवाना होते हैं। तभी आसमान बरसाती बादलों से घिराता है। थोड़ी देर में दोनों वहाँ आ पहुँचते हैं, जहाँ दरवाजे पर खड़ा ओमकार हाथ जोड़े कहता है, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। सिया और वैभव पहली ही नजर में एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन लेते हैं, जिसके बाद लालच से मांदी हुई भार्गवी कहती है, बच्चों की मर्जी तो उनकी आंखों से झलक ही रही है, अब जरा हम बड़े भी बात कर ले। हाँ समधन जी, चलिए बगल वाली कोठरी में चलकर बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, मेरा एक उसूल है, साफ कहना सुखी रहना। शहर में हमारा बहुत नाम और रुतबा है, वैभव के खातिर सैकड़ों रिश्ते कतार में लगे हैं, मगर जैसी गुनी बहु तलाश मुझे थी, वो आपकी बेटी में कूट कूट कर भरी है। ये तो आपका बड़प्पन है। तो ठीक है, दहेज के तौर पर आप सिर्फ हमें मोटा मोटा 10 लाख रुपए और बारातियों का पुख्ता इंतजाम और घर का सामान तो सभी देते ही हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर ओमकार की आंत मानो बाहर आने को हो रही थी। वह लड़खड़ाते स्वर में कहता है, समधन जी, इतनी भारी रकम मैं गरीब कहाँ से जोड़ूंगा। सोच लीजिए ओमकार भाई साहब, आपकी बेटी मेरे घर आकर राज भोगेगी। बेटी के खुशहाल ससुराल के किस्से सुनकर मोह में ओमकार भार्गवी की सभी मांग में हामी भर देता है और भार्गवी अपने घर लौट आती है। उस रात मानसून मानो बेबसी के आंसू बरसा रहा था। ओमकार की आंखों से आंसू के फुहार बरसात के साथ ही बह रहे थे, छत जगह जगह से चू रही थी। हे भोले भंडारी, ये कैसा विघ्न है। अचानक उसकी सिसकियां बगल में सो रही सुरेखा के कान में पड़ते ही वह उठ बैठती है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं। ओमकार रोते हुए सुरेखा को सारी बात कह डालता है। क्या, इतनी बड़ी रकम हम अदा कहां से करेंगे। एक तो इतनी कम घड़ी में ब्याह नाद दिया है, बरसात में कमाई का कोई जरिया नहीं, हर बरस सावन भादो में प्रचंड बेरोजगारी से जूझते हैं, ऐसे में बेटी की डोली कैसे उठेगी। एक बात की ये इच्छा होती है कि उसकी बेटी को अच्छा वर और घर मिले, चाहे अपनी बेटी की डोली उठाने में अगर बाल बाल भी बिक जाए तो भी इस बाप के कदम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ही वक्त के पड़ाव के बाद शादी का दिन आता है। ओमकार दहेज का सारा बंदोबस्त कर लेता है। ये सब कैसे किया आपने। मैंने अपना सारा खेत बेच दिया सुरेखा, और अभी ये घर भी हमारा नहीं रहा। बेटी की डोली उठने की खातिर आपने पुरखों की जमीन तक बेच दी, ये नहीं सोचा कि भरी बरसात में बेटी की विदाई के बाद हम कहाँ जाएंगे। जहाँ ईश्वर ले जाए। थोड़ी ही देर में शादी का कार्यक्रम शुरू होता है कि आसमान में मानसूनी बादल छाने के साथ झमाझम बरसात शुरू हो जाती है, जिसे देख भार्गवी कहती है, अरे ये ऐसा घटिया बंदोबस्त किया है तुमने, एक ढंग का पंडाल तक नहीं बन पड़ा तुमसे। बात को बिगड़ते देख ओमकार भार्गवी के सामने अपनी पगड़ी धरते हुए कहता है, समधन जी, डोली और कहार द्वार पर खड़े हैं, फेरे भी पड़ चुके हैं, अब मेरी बेटी पूरे तौर पर आपकी अमानत बन चुकी है, ये रही दहेज की रकम। बहू डोली में बैठ जा, वो गांव के रास्ते कच्चे हैं ना, ज्यादा जनों का कार में सवार होना खतरा बन सकता है, जा जाकर डोली में बैठ जा। भोली भाली सिया डोली में चढ़कर बैठ जाती है और भरी बरसात में अपने मायके से विदा लेती है। कहार बारिश में भीगते हुए गाड़ी के पीछे पीछे डोली कंधे पर धर कर चलने लगते हैं। तभी भार्गवी कहती है, गाड़ी की रफ्तार तेज कर दो। आप गाड़ी की रफ्तार तेज क्यों कर रहे हैं, जानती है ना कहार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं है। वह वैभव को बहला फुसला कर चुप करा लेती है और दोनों अचानक ओझल हो जाते हैं। अब बरसात भी भीषण बाढ़ और तूफान में ढलती जा रही थी। अरे ये दूल्हा और दूल्हे की माँ कहाँ गायब हो गई। बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, हमको जल्दी डोली को सही पते पर पहुँचाना होगा। डोली में बैठी सिया के मन में अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। तूफान अपने चरम सीमा पर आ चुका था, जिसके चलते डोली का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है और बरसात का पानी डोली में भरने लगता है। सभी कहार उफनते बाढ़ के पानी को देख डोली को बीच रास्ते में छोड़कर भाग चलते हैं।
अरे ठहरो जरा, अब इन्हें और माँ जी को कहाँ खोजूं? बाढ़ ने पूरे रास्ते को अपनी जकड़ में ले लिया है, ऐसे में टायर के छाप भी धूमिल हो चुके हैं। दुल्हन बनी सिया अंत तक हिम्मत बांध कर उन्हें खोजती है और तभी वह शहर की सीमा को पार करके अपनी ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास और पति की गाड़ी का चक्का एक गड्ढे में फंस चुका है और दोनों जख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। माँ जी, वैभव जी, आंखें खोलिए। हे भगवान, बाढ़ ने इनका क्या हश्र कर दिया है, मुझे उन्हें लेकर सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बाढ़ का बढ़ता हुआ जलस्तर देखकर दुल्हन सिया दोनों को एकाएक बाहर निकालती है। तभी दोनों को होश आता है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाया जाता है। अब बरसात थम चुकी थी, मगर भार्गवी की आंखों से पछतावे की फुहार लगातार बरसती ही जा रही थी। बहू, अपने इस लोभी लालची सास को माफ कर दे, मैंने जानबूझकर तेरी डोली को बाढ़ के बीच छोड़ दिया था ताकि तुझसे पल्ला झाड़ सकूं। शायद उसी का फल ईश्वर ने इस बाढ़ के द्वारा मेरा सब कुछ छीन कर लिया है। कुछ दिनों के बाद रेस्क्यू टीम द्वारा बाढ़ पर काबू पाया जाता है, जिसके बाद भार्गवी अपनी नई नवेली बहू का बाढ़ के प्रकोप से ग्रसित घर में तहे दिल से स्वागत करती है।